हेलो, देखिए क्या है ना कि चौथा चैप्टर तीसरा चैप्टर था आपका रिवेट ज्वाइंट, चौथा चैप्टर क्या था आपका बोल्ट। ठीक है, बोल्ट को करेंगे अभी होल्ड, हम क्या पढ़ेंगे अभी वेल्ड ज्वाइंट। ठीक है, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में आपके बोल्ट का कहीं यूज नहीं है। क्या है? रिवेट वेल्ड, रिवेट वेल्ड। तो एक तो मन उठ जाता है पढ़ने, पढ़ते पढ़ते एक ही तरह का है, रिवेट वेल्ड और बोल्ट। तो बोल्ट को होल्ड रखेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे वेल्ड, उसके बाद हम टेंशन कंप्रेशन, लास्ट में सबसे हम लोग पढ़ा जाएगा बोल्ट ज्वाइंट। ठीक है, कहीं उसका यूज नहीं है। लिखिएगा वेल्ड ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट। अभी तक हम ज्वाइंट ही पढ़ रहे हैं, वेल्ड ज्वाइंट। लिखिए, जब दो या दो से अधिक मेंबर को, थोड़ा धीरे बोलिए ना, आता है इसमें आवाज। जब दो या दो से अधिक मेंबर को कैसा फोटो, जब दो या दो से अधिक मेंबर को वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं, दो से अधिक मेंबर को वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं, जिसे वेल्ड ज्वाइंट कहते हैं। रिवेट में भी यही डिफिनेशन बोले थे, रिवेट की सहायता जोड़ते रिवेट ज्वाइंट कहते हैं। ये समझ आएगा आपको। ठीक है, जब दो या दो से अधिक मेंबर को वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं तो इसे वेल्ड ज्वाइंट कहते हैं। लिखिएगा, लाइन छोड़िए, लिखिए। ए, हो सकता है आपको ना लिखवाया हो, जो पहले से YouTube से पढ़ चुका है, मिलाइएगा। लिखिएगा, लिखे लिखे वेल्ड ज्वाइंट में, लाइन छोड़ के लिखे वेल्ड ज्वाइंट में, वेल्ड ज्वाइंट में लिखे पेरेंट मटेरियल, PARENT, पेरेंट मटेरियल। ब्रैकेट में लिखिएगा जिसको जोड़ना है, लिखवाए हैं। ठीक है, वेल्ड ज्वाइंट में पेरेंट मटेरियल, जिन मेंबर को जोड़ना है उसको क्या कहेंगे, पेरेंट मटेरियल कहेंगे। ठीक है, वेल्ड ज्वाइंट में पेरेंट मटेरियल में वेल्ड मटेरियल, हाँ वेल्ड मटेरियल जिससे जोड़ना है, जिससे एक होता है ना तार, सफ़ेद कलर का रॉड होता है जो रॉड, ओके है मेरा वेल्ड मटेरियल, और जिसको जोड़ना है वो वेल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल हो जाएगा। क्या दिखा रहे तो वेल्ड ज्वाइंट में पेरेंट मटेरियल में वेल्ड मटेरियल धस कर मेंबर को जोड़ देता है, धस कर मेंबर को इस प्रकार जोड़ता है कि, देखिए मैं लिखिए, को इस प्रकार जो धस कर इस में, धस कर मेंबर को, हाँ मेंबर को इस प्रकार जोड़ता है कि जुड़ने के बाद दोनों मटेरियल को अलग करना मुश्किल है, जुड़ने के बाद दोनों मटेरियल को अलग करना मुश्किल है। ये बताइए, दोनों जब वेल्ड करके जोड़ देता तो अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अलग नहीं होता, टूट जाएगा। वेल्डिंग नहीं होता ना, वो होता मुश्किल होता है। लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिएगा, लिखिए यह फेविकोल, लिखिए यह फेविकोल, लाइन छोड़ के लिखिए यह फेविकोल ज्वाइंट से भिन्न होता है, लिखिए यह फेविकोल ज्वाइंट से भिन्न होता है। फेविकोल का ज्वाइंट होता है ना, फेविकोल का ज्वाइंट, हाँ, क्योंकि फेविकोल ज्वाइंट सिर्फ सतह से सतह को जोड़ता है, सही बात है कि नहीं, क्योंकि फेविकोल ज्वाइंट सिर्फ सतह से सतह को जोड़ता है। लिखिए यह फेविकोल ज्वाइंट से भिन्न होता है क्योंकि फेविकोल ज्वाइंट सतह से सतह को जोड़ता है, जबकि वेल्ड ज्वाइंट में
बिल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल के अंदर धंस कर जोड़ता है। वेल्ड जॉइंट में वेल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल के अंदर धंस कर जोड़ता है। लेकिन टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट, जितने प्रकार का रिवेट जॉइंट उतने प्रकार का वेल्ड जॉइंट, टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट। लिखे वेल्ड जॉइंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इधर उधर बिजी रहेंगे फिर नहीं समझ आएगा। वेल्ड जॉइंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा फिलेट जॉइंट, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, फिलेट वेल्ड, इसे और नाम से जानते हैं हम लोग, लैप, वेल्ड। दूसरा आपका बट वेल्ड, लिख लीजिए दोनों, पढ़े हुए हैं। चलिए कोई तो हूँ कहा, सब लोग लिखने में बिजी, हम कंफ्यूज हो गए कि नहीं पढ़े हैं क्या। लैप नहीं पढ़े, रिवेट, उसको हम लोग फिलेट कहते हैं। किस में? वेल्डिंग में। पहला यूनिट डाल लीजिए, फिलेट या लैप वेल्ड। अब देखिए फिलेट किसे कहते हैं, जब दो मेंबर के एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक मेंबर एक हो गया एक और एक हो गया, दूसरे के ऊपर क्या रखिए, रख दिए, और जब यहाँ बिल्डिंग करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, फिलेट वेल्ड। एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, जैसे कि इसको यहाँ रख दिए, अब बिल्डिंग करें कैसा, एक दूसरे के ऊपर रहना चाहिए, है ना। तो इसमें लिखिएगा, जब मेंबर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, वेल्ड करते हैं तो इसे फिलेट वेल्ड कहते हैं, लाइन चल रखिएगा। फिलेट वेल्ड सीयर में फेल होता है, एजेम क्वेश्चन आता है, फिलेट वेल्ड किस में फेल होता है, फिलेट वेल्ड सीयर में, कर्तन में फेल होता है, क्योंकि कटता है। फिलेट वेल्ड सीयर में फेल होता है। अब देखिए एक मेंबर ए हो गया, और दूसरा मेंबर देखिएगा इसके नीचे हो जाएगा तो नहीं दिखेगा ना, दूसरा मेंबर ए हो गया, ऐसा हो गया, यहाँ क्या कर दे रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। देखिएगा क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ भी कर दे रहे हैं। अब देखिए वेल्डिंग कैसे दिखेगा, एक मेंबर ए हो गया और दूसरा मेंबर ए हो गया, ना, एक यहाँ वेल्डिंग करेंगे एक यहाँ वेल्डिंग करेंगे। नहीं समझ आया कैसे कर रहे हैं, देखिएगा, समझिए, एक बुक दीजिए, देखिए ए मेंबर हो गया दोनों की, नहीं एक ऐसा ही तो है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा ही है, तभी किसको कैसे जोड़ पाएंगे दोनों को, एक यहाँ वेल्डिंग करना पड़ेगा। देखिए ए वेल्डिंग हो गया, ऊपर से देखेंगे प्लान में तो ऐसा पूरा दिखाई देगा, और एक यहाँ वेल्डिंग कर दिए, ये तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम दिखा दिए, हम ड्राइंग थोड़ी बना रहे हैं, है ना, तो बना लीजिए दोनों को, बने हाँ, प्लान है और एलिवेशन है, प्लान एलिवेशन आपको समझ आता है, के ग्रुप वालों को हो सकता है ना समझ आए, प्लान एलिवेशन नहीं, मतलब कि फर्स्ट ईयर का ड्राइंग में मेन है ना, सेकेंड ईयर में उतना नहीं, नहीं कहाँ टाइम बैठने का, फटाक से बनाइए।
अरे उसका नेचर ही कोशिश करिए बनाइए, तब समझ आता है क्या चीज़ है। अरे अब समझ आ रहा है ना, फ्लैट लैब आ रहा है ना, अब आएगा अब आ जाएगा। नहीं अब इसका टाइप लिखेंगे, अबे मत जल्दी मत भागिए, लिखे टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। अब इसका टाइप है, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, देख लीजिए टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड, मिल जाए तो कह दीजिए। नहीं मिलेगा भाई टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड में लिखिएगा, पहला लिखिएगा उसमें बल के दिशा के अनुसार, क्या लिखना है टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। हाँ फिलेट वेल्ड, हाँ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल के दिशा के अनुसार लिखिए। बल के दिशा के अनुसार वेल्ड दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा लिखे अनुप्रस्थ वेल्ड, ट्रांसवर्स वेल्ड, ट्रांसवर्स वेल्ड, अनुप्रस्थ वेल्ड, और दूसरा क्या आ जाएगा भाई लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य फिर वेल्ड। अनुदैर्ध्य वेल्ड, अनुप्रस्थ वेल्ड, समझ आ रहा है। इधर क्या लगा दिया हम, फोर्स लगा दिया, बनाए फटाक से फिगर, अभी समझा दे रहा है। एरो लेके गए हैं लिखने ए अनुदैर्ध्य वेल्ड है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं तब अनुदैर्ध्य वेल्ड, अब हो गया ना देखिए कुछ नहीं है फिगर है, ये देखिए एक ये बड़ा वाला, ये वाला जो है एक प्लेट हो गया ऐसा, दूसरा वाला एक प्लेट हो गया ऐसा, बस। अब यहाँ कहाँ वेल्ड करेंगे, यहीं तो किनारे वेल्ड करेंगे, समझ आ गया ना, यहीं वेल्ड करेंगे। तो जो बल के समांतर उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, और जो बल के लंबवत उसे क्या कहते हैं अनुप्रस्थ। तो नोट कर लीजिए, देखिए ए बल, इस बल इस दिशा में लगा, इस दिशा में बल लगा ना पैरेलल हो गया, तो इस दिशा में क्या कर दिए वेल्ड कर दिए। अरे यार कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लिखिएगा लिखिएगा बंद करा दीजिए। जब वेल्ड बल लगने की दिशा में किया जाता है, जब वेल्ड वही है अनुदैर्ध्य, जब वेल्ड बल लगने की दिशा में किया जाता है तो उसे उसे अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड, अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड तथा जब बल लॉन्गिट्यूडिनल तथा जब वेल्ड फोर्स लगने के परपेंडिकुलर दिशा में किया जाता है। अब लोग याद दिलाया करिए, हम ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ करने लगेंगे। जब वेल्ड फोर्स लगने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है तो इसे ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहते हैं। हो गया ना, हाँ एक ही में दोनों लिखवा दिए हैं कुछ, हाँ इसको तो ख़त्म करें ना, इस क्लासिफिकेशन तो ख़त्म करें। लिखिएगा दूसरा, लिखिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ वेल्ड वेल्ड के स्थिति के अनुसार, लिखिए वेल्ड के स्थिति के अनुसार पोजीशन ऑफ वेल्ड।
देखिए वेल्ड के स्थिति के अनुसार वेल्ड तीन प्रकार का होता है। वेल्ड के स्थिति के अनुसार बहुत बात करते हैं नीरज, बहुत बात होता है। वेल्ड की स्थिति के अनुसार वेल्ड तीन प्रकार के होते हैं। वेल्ड की स्थिति के अनुसार वेल्ड तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा वैसे लिखे, पहला हॉरिजेंटल फ्लेट वेल्ड, दूसरा लिखे वर्टिकल फ्लेट वेल्ड, हॉरिजेंटल फ्लेट वेल्ड, वर्टिकल फ्लेट वेल्ड, कॉर्नर फ्लेट वेल्ड। ठीक है, अब देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो फ्लेट वेल्ड करेंगे इसे क्या कहेंगे हम लोग, हॉरिजेंटल फ्लेट वेल्ड। ये समझ आ रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ जो वेल्ड करेंगे इसे क्या कहेंगे, अच्छे से आप लोग लिखिएगा, हम ऐसे लिख रहे हैं फर्जी, हॉरिजेंटल फ्लेट वेल्ड। हॉरिजेंटल ही तो जा रहा है ना। यहाँ जो होगा क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल फ्लेट वेल्ड, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। और देखिएगा इन दोनों प्लेट को मान लेते हैं जोड़ना, ये दो प्लेट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेल्ड करेंगे, यहाँ पर जो वेल्डिंग करेंगे इसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल फ्लेट वेल्ड। माना है दो प्लेटें हैं अलग अलग जुड़ा गया है, जैसे क्या कह देंगे भाई हम लोग, वर्टिकल फ्लेट वेल्ड। और यहाँ क्या बन रहा है आपका, कोना बन रहा है, बन रहा है ना, फिलेट बोला है वर्टिकल, हम लोग जगह प्लेट नहीं फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। हाँ देखिए ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये कोने पर है ना, हेलो ये तो कोने पर है, जैसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्नर फिलेट वेल्ड, कॉर्नर फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोना कोई नहीं बन रहा है, इसकी ऊंचाई अधिक थोड़ी है कोना बन रहा है, वो तो जितना मोटा ए प्लेट है उतना ही मोटा ओ प्लेट है। ठीक है, हाँ इसमें कोना थोड़ी है, जैसे ये ऊंचाई है तब तो कोना मिला आपको, हाँ हाँ ऊपर दो प्लेट हॉरिजॉन्टल है तो दो प्लेट है ना, ए ना ऊपर भी तो ए वर्टिकल, हाँ दो प्लेट हैं जोड़ने का बताया है ना, वर्टिकल फिलेट वेल्ड बना लीजिए। उस कैसे दिखाएं उसको, बनाइए उसको, बनाइए 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 नहीं ठीक लिखे, वेल्ड के सतह के अनुसार, लिखे वेल्ड के सतह के अनुसार, तो क्या इसके बारे में लिखवाएं, क्या लिखवाएं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल, कॉर्नर कॉर्नर, इसमें क्या लिखवाएं भाई, ले दीजिएगा हॉरिजॉन्टल वेल हॉरिजॉन्टली किया जाता है, वर्टिकल वेल वर्टिकली किया जाता है, कॉर्नर कोने पर होता है। लिखे लिखे वेल लिखे सतह के अनुसार अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ वेल्ड, ओए समझिएगा, लिखिएगा इसके अनुसार वेल्ड तीन प्रकार के होते हैं। पहले बना लीजिए, हाँ तो ग्यारह बजे छोड़ देंगे हम, इसके अनुसार वेल्ड तीन प्रकार का, ट्रेन है क्या आपका, ट्रेन है क्या, इसके अनुसार वेल्ड तीन प्रकार के होते हैं। फोटो ले लेना, चुपचाप पढ़िए, ट्रेन छूट जाएगी तो छूटने दीजिए, वीडियो तो बन ही रहा है, हाँ वीडियो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं भाई, जाइए हमको कौन से ट्रेन आ रही है, ए देखिए ये जो ऐसा बना रहे हैं ना त्रिभुजाकार का, ओए त्रिभुजाकार का जो बना रहे हैं वो क्या चीज़ है, यही वेल्ड मटेरियल है, और ये क्या है आपका पेरेंट मटेरियल है ना, ये क्या हो जाएगा आपका पेरेंट मटेरियल, इसी में वेल्ड मटेरियल क्या हो रहा है आपका घुस रहा है, समझ रहे हैं ना। ये सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है, तो क्या कहेंगे कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, ये फिलेट ही तो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है प्लेट, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, इसे क्या कहेंगे कॉनकेव फिलेट वेल्ड,
प्लेन फ्लैट वॉल, बस इतना एक और है बस एक। अब इसमें आप लोग लिख लेंगे ना, सरफेस कन्वेक्स होता है, लिख लीजिएगा कन्वेक्स फ्लैट वेल का सरफेस जो होता है। हाँ हाँ लिख लेना है कि जो सरफेस होता है कन्वेक्स होता है, यानी उभरा हुआ रहता है बाहर। सर ये उभरा हुआ जान के तो बनाते नहीं है। नहीं नहीं बन जाता होगा। बन जाता है वही तो, उसका कन्वेक्स होता है। अच्छा अगर चाहे कि प्लेन करना है तो उसके लिए नहीं हो पाएगा ना? क्यों नहीं होगा, चाह के नहीं होगा। तो जो रेलवे ट्रैक है तो वो रेलवे करते हैं, तो वही चीज है, तो वही वही करना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक पर जैसे किया था तो वही नहीं करेंगे तो मशीन से वो काटते हैं फिर उसको, जैसे आजकल जो वो हो रहा है क्या लकड़ी का जो रेलिंग जैसे आजकल बन रहा है तो उसको पॉलिश करते हैं। हाँ हाँ सब वही करके एकदम प्लेन, एकदम प्लेन हो ही नहीं पाएगा बिल्डिंग। अब एक और लिखे लेग लेंथ के अनुसार, इसमें लिख लेंगे ना तो चार पांच लाइन छोड़िए तब हमको भी समझ, कल लिख के लाएगा चेक करेंगे कि भाई जो हाँ कन्वेक्स फ्लैट वेल में नहीं भाई परसों ही। अगला लिखे अकॉर्डिंग टू लेग लेंथ, लेग लेंथ के लंबाई के अनुसार। अब लेग लेंथ क्या है वो कल बताएँगे पंद्रह के अगले दिन, ठीक है? देखिए लेग लेंथ के लंबाई के अनुसार तो वो आगे आता ही है, अभी लेग लेंथ बताने कोई मतलब थोड़ी है, आगे ही बताएंगे लेग लेंथ लेंथ क्या होता है। लेग लेंथ के लंबाई के अनुसार आपके बुक में सिर्फ यही मिला होगा, यही मिला है ना कन्वेक्स कन्वे वाला। लिखिएगा इसके अनुसार फिलेट वेल्ड दो प्रकार के होते हैं, इसके अनुसार फिलेट वेल्ड दो प्रकार का होता है। हाँ लेग लेंथ के अनुसार इक्वल लेग लेंथ, इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। दूसरा लिखिएगा अनइक्वल, अनइक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड। अब इक्वल अनइक्वल किसे कहते हैं समझ लीजिए भाई, और समझिए ये दोनों क्या हो गई आपकी प्लेटें हो गई। इसे देखिए ए क्या हो गया आपका, इसे कहते हैं लोग L1, यही लेग लेंथ है। अब लेग लेंथ हम अच्छे बताएंगे कल, मतलब अगले लेक्चर में। ये हो जाएगा आपका L2, ए वेल्ड किए हुए हैं ना, ये वेल्ड किए हुए हैं, यहाँ भी किया वेल्ड, ठीक है, यहाँ भी कर दिया ऐसे। इसे कह देंगे हम लोग क्या L1, इसे क्या कहेंगे L1, इसे क्या कहेंगे हम L2। समझिएगा यहाँ क्या है, ओए यहाँ क्या है L1 बराबर है किसके L2 के, तो इसे क्या कहेंगे इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड। जब L1 L2 के बराबर, L1 L2 ही लेग लेंथ है, और जब L1 और L2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे अनइक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड। हाँ दोनों की लेंथ क्या होगी जब बराबर होगी तो कहेंगे इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, और जब बराबर नहीं होगा तो अनइक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, ठीक है? तो हाँ अब कल हम इस चैप्टर का हाँ वही चीज़ है अगले लिख लेंगे, इसको ना इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखना कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बहुत कम आते हैं, अगला जो पढ़ाएंगे वो आता है।